हाय हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। देखते रहिए। मैं अपना दीदी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये मेरी बड़ी वाली दीदी है, छोटी वाली दीदी को आप देखे हैं, इनका नाम है खुशबू और प्यार से सब लोग खुशी खुशी बोलते हैं सब लोग। तो गाइस, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? मतलब क्या क्या करेंगे हम लोग पिकनिक में, थोड़ा बता दीजिए। मस्ती करेंगे, पिकनिक मनाएंगे, कुछ लेके आए हैं, कुछ बनाएंगे, यही सब। अभी तो फिलहाल बहुत थक गए हम लोग, मतलब कि मिल नहीं रहा है, पानी बिल्कुल सूख गया है पीछे, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो अभी एक अच्छा सा मतलब लोकेशन ढूंढ रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग पिकनिक मेनली मनाएंगे। एक लोकेशन था तो दीदी लोगों को पसंद नहीं आया, जहाँ पे हम लोग पहले आते रहते हैं मतलब, तो वो लोकेशन दीदी लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए हम लोग नेक्स्ट लोकेशन थोड़ा सा फोटो वोटो खींचेंगे बोल रहे हैं दीदी लोग, तो इसीलिए मतलब वो लोकेशन अच्छा ढूंढ रहे हैं। तो इसी तरह ब्लॉग में लग रहा है मानू यहाँ पे आके, और ये अपने मामा से लड़ाई कर रहा है, कह रहा है कि मुझे ये मेरे ऊपर पूरा गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, बहुत चल गया, बहुत ही थक गया है बेचारा। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा जगह, हम लोग को लोकेशन मिल गया, बहुत हम लोग गए हैं। मैं जहाँ पे लेके गया था एक्चुअली इन लोगों को पसंद नहीं आया वो जगह, तो लास्ट में जाके यहीं पे हम लोग लेके आए हैं। तो ब्लॉग पे बने रहेगा, बहुत ही खूबसूरत है सब लोग, ये पत्थर उत्थर मार रहे हैं पीछे देख सकते हैं, सामान बहुत ही अच्छा है, मतलब कि जैसे तैसे बुक के हम लोग लेके आए यहाँ पे टेंट। अभी वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे जो रेत जैसा जो देख रहे हैं, वहीं पे हम लोग टेंट लगाएंगे अभी। तो वीडियो पे बने रहिए, कैसे कैसे हम लोग टेंट लगाते हैं सब कुछ दिखाऊंगा आप सभी को। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लोकेशन है ये, नेक्स्टली इसके मैं आप सभी को दिखाऊँगा अभी लोकेशन किस प्रकार है ये। देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है ये। तो ब्लॉग पे बने रहिए, मैं आप सभी को बताऊँगा। देखो देखिए, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams. Finally हम लोग का टेंट बन के रेडी हो गया, सारे बच्चे टेंट के अंदर है। तो मानू सभी को कैसा लग रहा है बताओ जल्दी, बहुत अच्छा। मानू कैसा लग रहा है मानू, बेबक को कैसा लग रहा है? अच्छा। इधर मिस्टर मानस अच्छा। तो तुम लोग सो सकते हो आराम से, यहाँ पे सो जाओ ठीक है, लेट जाओ, अरे नहाओगे ना तुम लोग कुछ ये तो थोड़ा सा ऑडियंस को मारूंगा। तो कैसा लग रहा है, आग जल रहा है कि नहीं बताइए दीदी, एक्सपीरियंस आप सभी का कैसा लग रहा है पिकनिक आके? लाइटर खराब हो गया है, हमें 15 मिनट लग गई है आग जलाने में। फाइनली यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा आग जल चुका है, आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे आदि मानव की टेक्निक से जलाया गया है, लकड़ी को लकड़ी से रगड़ रगड़ के इसको जलाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए मेरा दीदी बहुत ही अच्छा से आग जलाई है, बहुत ही मेहनत कर रही है, और यहाँ पे छोटी वाली दीदी भी बहुत मेहनत कर रही है आग जलाने में। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है आगे, देखिए वहाँ पे नाव भी है, बाद में नहाते समय उस नाव तक आप सभी को लेके जाऊंगा। इसी तरह ब्लॉग पे आप लोग बने रहिए। ये आग देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे जगह में, ऐसे खुली वादियों में अगर हम लोग आग जला लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कि अभी फुल प्रिपरेशन हो चुका है, अब हम लोग चिकन को धोएंगे और चिकन को बनाएंगे। इसी तरह आप ब्लॉग पे बने रहिए, मैं आगे आप सभी को सब कुछ बताता रहूँगा। और ये प्लेस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उधर मेरे भांजे लोग देखिए टेंट बना चुका है, तो वहाँ पे भांजे लोग सब लोग सो रहे हैं, लेट रहे हैं। तो ऐसी इसी तरह ब्लॉग पे बने रहिए, आगे मैं दिखाता रहूँगा। मानू हाय बोलो। Screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. बहुत अच्छा। थोड़ा कैमरे पर पानी मार दूँ। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah.
तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं वैभव छोटा छोटा जो मछलियाँ होते हैं होती है उसको पकड़ के इस बोतल में रख के लेके आए हैं। देखिए बहुत छोटा छोटा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। वैभव ने पकड़ा है ये, देखिए हाय कह रहा है हमें, तो ये बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि ऐसा इंजॉय कर रहे थे। और ग्रेवी हम लोग का तैयार हो चुका है और इसे खाना है। और ये ग्लास में आप देख सकते हैं, ग्लास के द्वारा इसे पकड़ के फिर बोतल में डाले थे हम लोग, तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए थे। बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत सा है। और इसको हम लोग घर में जब लेके आए हैं तो वैभव का भाई जो है छोटा वो उससे खेल रहा था, बहुत ही अच्छा लगा उसे। हम लोग, मैं नहा रहा हूँ, बहुत ही ठंडा पानी था, बहुत ही ठंडा पानी था और उस नाव तक भी गया। उसका एक फोटोग्राफ आप सभी से शेयर कर रहा हूँ, देखिए। गाइस मैं नहा लिया हूँ और इधर वैभव भी नहा लिया है, इधर मानस भी नहा लिया, सब लोग नहा लिया है। अभी हम लोग खाना खाएंगे, तो खाना खाने का भी ब्लॉग बनाऊंगा। अभी हम नहा वहा के बाल वाल देख सकते हैं, पूरा भीगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। बहुत यहाँ पे नहा लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है। तो इसी तरह ब्लॉग पे बने रहिए, मैं दिखाऊंगा खाना वाना सब कुछ। पर जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पे पास में हेलीपैड है, तो हेलीपैड का ही ये हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा है तो साउंड आ रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पीछे आप जैसे कि देख सकते हैं वो मेरी दीदी कपड़ा धो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो अच्छे से स्विमिंग वुमिंग करके नहाए हैं, स्विमिंग करना तो नहीं आता है, बस ऐसे ही गोता लगा के मतलब कि नहाए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है। मतलब कि एकदम नेचुरल, नेचर के नीचे नदियों में नहाने का एक अलग ही मज़ा है, जो कि बाथरूम में जितना भी अच्छा शावर हो, फाइव स्टार होटल में भी आप नहा लेंगे बाथरूम में तो वो मज़ा नहीं आएगा जो आप नदी में नहा के आपको जो मज़ा आएगा फ्रेश वाटर में। तो इसी तरह आप ब्लॉग पे बने रहिएगा, मैं आप सभी को दिखाऊंगा। पीछे टेंट तो बना दिया हूँ लेकिन टेंट में कोई नहीं सो रहा है, बस मानस का लिए था वो, मानस तो बीच बीच में जा रहा है सोने के लिए। तो काफ़ी अच्छा फील लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं टेंट के अंदर भी घुस के आप सभी को एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा लग रहा है। तो ब्लॉग पे इसी तरह बने रहिए, मैं आगे आप सभी को बताता रहूँ। ये गाइस टेंट फुल सिस्टम तो लेके नहीं आए हैं, फिर भी आधा अधूरा लेके आए हैं। चलिए अब मैं गाइस टेंट के अंदर हूँ, काफ़ी अच्छा फील होता है, रात नाइट स्पेंड करने से ज़्यादा अच्छा लगेगा शायद मेरे ख्याल से। यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑसम फील आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसी तरह ब्लॉग पे बने रहिए आप लोग। तो गाइस आप अगर ब्लॉग पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उस बेल आइकन को ज़रूर दाब दीजिएगा जो कि एकदम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो गाइस कैसा लगा, देखिए पूरा फुल नेचर यहाँ से टेंट के अंदर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस जगह को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, बहुत ही प्यारा सा जगह है। हम लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं, दीदी लोग के फैमिली लोग आए हैं, मतलब कि उनका बच्चा वो मेरा मतलब कि भांजा लोग, तो मेरे भांजा लोग बोल रहे थे कि मामा मुझे टेंट में सोना है इसलिए मैं यहाँ पे कैंपिंग किया हूँ। हम लोग तो ऐसे कैंपिंग करते रहते हैं इस टेंट पर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो हम लोग यहाँ पर नाइट स्पेंड भी किए थे, नाइट होल्ड यहाँ पर टेंट में किए थे, बहुत ही अच्छा लगा था, फील आया था। तो अगर आप लोग डिंग नोआ डिंग रिवर आते हैं तो ऐसा यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। मानू कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? मानस कैसा लग रहा है, वैभव कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये चिकन है, ये नमक है, ये चावल है और ये नींबू, तो आज का खाना यही है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है। नदी के साइड में नहाने के बाद खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो दीदी लोग तो अभी नहीं खा रहे हैं, दीदी लोग बाद में खाएंगे बोल रहे हैं। तो ब्लॉग पे बने रहिए, मैं आप सभी को और भी अपना एक्सपीरियंस बताता रहूँगा। खाना खा के हम लोग कंप्लीट हो गया है, तो यही तक था ब्लॉग, आई होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो हर बार मैं बोलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।